अली दा पहला नंबर नमाज़ मस्त कलंदर अली दम धम दे गाइस वेलकम बैक टू द सैंडमैन चैनल। तो आज है यूरोप टूर का 4 डे। तो आज मैं विजिट करने वाली हूँ जर्मनी। तो फाइनली हम लोग जर्मनी में पहुँच गए और जर्मनी में कौन सी प्लेस पे विजिट किया वही मैं आप सबके साथ शेयर करने आई हूँ। तो आप पहले ये देख लीजिए मैं आई हूँ डिनर करने और रियली सो ब्यूटीफुल। एंड आप लोग सोच रहे हो डिनर इसी टाइम, तो एक्चुअली यूरोप का जो टाइमिंग है थोड़ा सा डिफरेंस से रात को 10:30 बजे होता है नाइट, अदरवाइज 7-8 को रहता है धूप। तो हमारा डिनर फिनिश, अब हम लोग जा रही हो होटल पे। तो हम लोग कहाँ विजिट किया वही मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि हम लोग गए थे ब्लैक फॉरेस्ट देखने एंड कुकू क्लॉक फैक्ट्री पे, जो सबसे फेमस है जर्मनी कुकू क्लॉक फैक्ट्री। तो लेट्स गो, आप लोग मेरे साथ बनी रहिए और वीडियो को फुल एंजॉय कीजिए एंड जितना हो सके फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो लेट्स गो। When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it, more than I could bear. Giving up is all that I can. Surrender to you. Take me in your arms and hold me. With your love, find my rest and I can see you. The time without looking at the clock. So this is a little bit about the history. Now let me tell you about the clock making. For the making of the clock we use this wood. This is known as a lime or the basswood. It is very soft wood for the carvings and it needs to be dried up to 4 years before we can carve it. गाइस देख लीजिए ये है ब्लैक फॉरेस्ट। तो हमें बहुत ही अच्छा लगा जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट एंड कुकू क्लॉक फैक्ट्री देखिए, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। तो अभी हम लोग जा रही हूँ स्विट्ज़रलैंड टूर के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी से आप लोगों के पास आ रहा है स्विट्ज़रलैंड ब्लॉग एंड आई होप मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ऐसे ही प्यार सपोर्ट करती रहिए। तो आज के लिए मैं यहीं पर करती हूँ वीडियो को स्टॉप एंड न्यू ब्लॉग के साथ फिर से आप सबके सामने आती हूँ। बाय बाय and take care.